फंक्शन ऑफ अ टीचर में वो आपको बताता है कि इस दौर में एक टीचर का फंक्शन क्या है, क्या होना चाहिए और इस दौर की क्या रिक्वायरमेंट टीचर्स ने बना ली है। इनफैक्ट वैसे टीचिंग जो है वो एक नोबल प्रोफेशन है, लेकिन रसल का ये कहना है कि अब जो टीचिंग हो रही है वो अकॉर्डिंग टू जैसा उनसे कहा जाता है टीचर्स वैसे करते हैं। मैं उसकी आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि जैसे अगर आप अभी बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर जाए ना, तो होता ये है कि वहां पे अगर हम सिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है, आजकल सिटी और बीकन हाउस और ये बड़े इन जा रहे हैं इस वक्त जो स्कूल्स जा रहे हैं। होते क्या है इन स्कूल्स के अंदर कि इनके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो इन स्कूलों के मालिक होते हैं, वो टीचर्स को कहते हैं कि आपने इससे कम मार्क्स स्टूडेंट को नहीं देने। इट मीन्स कि टीचर्स आर बाउंड कि उनके एम्प्लॉयर्स उनसे जो करवाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, या जिस तरह की वो एक स्टेट लेना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स की, वो उसी तरह की वो स्टूडेंट के पेरेंट्स को ये बताया जाता है कि जनाब आपका जो बच्चा है ना वो बड़ा अच्छा स्कूल में। लिटरली मेरी बहुत सारी कलीग्स हैं जो कि सिटी में भी पढ़ाती हैं, बीकन में भी पढ़ाती हैं, बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ाती हैं, वो मुझे सेम यही बात बताती हैं कि हमें ये कहा जाता है, हमें ऊपर से ये ऑर्डर आता है कि आपने बच्चे को थोड़े मार्क्स नहीं देने, ठीक है, आपने चाहे। और लिटरली मैं खुद एक जो मेरी मॉन्टेसरी गुजरी और मेरा जो फर्स्ट 5 क्लासेस गुजरी वो एक बहुत महंगे स्कूल में हुई, और उसमें बकायदा हमें और टीचर्स खुद हम टॉपर्स को बिठा लेती थी कि आपने हर पेपर में से इतनी मिस्टेक्स काम करनी है कि टोटल जो मार्क्स है ना वो 100 में से 95 या 91 हो, इससे कम मार्क्स किसी को नहीं देने। तो वो भी टीचर जो है वो हमें कहती थी कि आप इसको रेस करके इसको करेक्ट कर दें ताकि जो है वो लगे कि, और इसी राइटिंग में लिखना है जिसमें यहाँ पे स्टूडेंट ने लिखा है। लिटरली हमने खुद पेपर्स चेक किए हैं, ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट टीचर्स हम टॉपर्स को बिठा लेती थी कि हाँ जी जी छुट्टी टाइम आ जाए और ये काम करें। सेम इज द केस विद सिटी बीकन एजुकेटर्स, उसके अंदर भी यही कुछ ही हो रहा है। अब वो फोकस किसके ऊपर करते हैं, जस्ट एक्सेंट्स के ऊपर कि स्टूडेंट जो है वो बोले, ठीक है, और वो जितना अच्छा बोलेगा जाहिर बात है एक इंसान जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, अपनी पर्सनैलिटी की वजह से पहचाना जाता है। नो डाउट वहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा ग्रूम की जाती हैं, पर्सनैलिटी स्किल्स भी उनको सिखाई जाती हैं, लेकिन द थिंग इज जब यही बच्चे 9th 10th के जब बोर्ड के एग्जाम्स देते हैं तो इन्हीं के सबसे कम मार्क्स आते हैं, और वो जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं वो हाईएस्ट मार्क्स लेके और टॉपर सारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, या जो एनुअल सिस्टम वाले स्कूल्स में पढ़े होते हैं, नॉर्मल स्कूल्स में पढ़े होते हैं उनके होते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को वो फिक्र नहीं होती कि हाँ जी जी हमने किसी को जाके, उन्होंने अपनी तनख्वाह लेनी है और बात सारी खत्म हो जाती है। तो अब यहाँ पे वो कहते हैं कि एक फंक्शन ऑफ अ टीचर क्या होना चाहिए, आज के दौर में उसको क्या बना दिया गया है, स्टेट के हक में जो जो बातें होती हैं हक में बेहतर होती हैं, टीचर्स को कहा जाता है कि आप सिर्फ वही चीज प्रमोट करें। अभी हमारे स्कूल्स में क्या हो रहा है, जस्ट सिलेबस के ऊपर इतना ज्यादा सिलेबस बच्चों का कर दिया है कि बच्चे सुबह भी स्कूल जाते हैं तो वही सिलेबस पढ़ते हैं, घर में आते हैं तो अगर माओ ने पढ़ाना है तो माएं लेके बैठ जाती हैं, माओ ने नहीं पढ़ाना तो ट्यूशन वाले सर लेके बैठ जाते हैं, ठीक है। और क्या है कि बच्चे को जी सिलेबस कवर करवाना है, सिलेबस बस किसी तरह कवर हो जाए, बच्चे के 90s में मार्क्स आ जाए, एंड दैट्स ऑल, यहाँ पे आके हमारा सारा खत्म हो जाता है। लेकिन टीचर का ये रोल नहीं है कि उसने खाली सिलेबस ही कवर करवाना है। वट इज द रोल ऑफ द टीचर, तालीम के साथ और क्या ऐसी चीजें होती हैं, ये तो जस्ट एक तालीम है ना, तालीम इल्म है, आप खाली पढ़ रहे हैं तो उसके क्या, अब ये सारी चीजें आपको फंक्शन ऑफ अ टीचर के अंदर मिलेंगी कि एक स्टेट का क्या रोल है, एम्प्लॉयर्स का क्या रोल है, एक टीचर जिनके अंडर काम कर रहा होता है उस पे उसका उस वक्त टीचर क्या किस तरीके से एक्ट करते हैं, ये सारी चीजें बेकन ने अपने फंक्शन ऑफ अ टीचर्स में लिखा है। और मजे की बात ये देखें कि इतना ये दूरंदेश इंसान था कि उस दौर में इसने ये बात कर दी, और अगर हम आज के दौर में देखें
तो आज हमें वाकई ये चीज एहसास होती है। इवन बहुत सारी एकेडमीज ऐसी हैं, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, कई स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास। जब स्टूडेंट आता है ना, मैं उसको साफ बता देती हूँ तुम्हारे अंदर ये गलती है, यहाँ से इम्प्रूव करो। ठीक है, एकेडमीज में ऐसे नहीं होता। बहुत सारी एकेडमीज है, स्टूडेंट आते हैं और उनको हाईएस्ट मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है, फॉर नो रीजन, और उनको कहा जाता है जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और फाइनली क्या होता है, वो फिर एमए इंग्लिश लिटरेचर में जब फेल हो जाते हैं तो आगे से ट्यूटर्स उनको ये कहते हैं बेटा हमने आपको सारा कुछ ही पढ़ाया था, लेकिन पता नहीं क्यों एंड पे आके आप फेल हो गए। ठीक है, तो इट मीन्स के पंजाब यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम है, आप में प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट को ये चीज बताई जाती है, हालांकि ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट जो लिखता है, जो वहां पे राइट अप करके आता है, वही होता है। एक एकेडमी चलाने के लिए इस तरीके से, लाइक जैसे मैंने आपको बताया, सिटी में, बीकन में, जब पेरेंट्स आते हैं वो बच्चे की रेपो पूछते हैं, बच्चों की प्रोग्रेस पूछते हैं, वहां पे एक ही बात बताई जाती है जी आपका बच्चा बहुत अच्छा है, बड़ा शार्प है, बड़ा अच्छा बच्चा, बेशक वो स्कूल में जो मर्जी करता रहे, लेकिन स्टूडेंट्स ऊपर से टीचर्स को ये कहा जाता है कि आपने पेरेंट्स को बच्चे की शिकायत नहीं करनी, ठीक है, और बच्चे के बारे में कोई बात नहीं करनी, आपने हमें यही बताना है कि जी बच्चा हमारे स्कूल में आपका बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फंक्शन ऑफ अ टीचर में क्वेश्चन देखिएगा, रिगार्डलेस ऑफ हाउ फिजिबल और अदरवाइज रसल्स आइडियाज ऑन द रोल ऑफ अ टीचर मे बी, वी डोंट एंड परहैप्स कैन हैव हिज टीचर इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टुडे। उसका जो उस्ताद है, जो रसल का जो उस्ताद है, जो रसल के दिमाग में चल रहा है कि उस्ताद ऐसा होना चाहिए, वो आज के दौर में नहीं है। अफर्म और रिफ्यूट विद एविडेंस फ्रॉम हिज वर्क्स, स्पेशली अनपॉपुलर एसेज। कैन वी चेक द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिक्लाइन इफ वी सक्सीड इन मेकिंग आवर टीचर्स इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल इन रियल इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड। Elaborate with reference to Russell's unpopular essays. That is the most important essay of today. इससे पहले जो पहले दो हमने पढ़े थे, ideas that are helpful for mankind, ideas that are harmful for mankind. ये दो essays और teacher, इन तीनों में से एक essay लाजमी आता है, तो इस वजह से इसको जरा गौर से पढ़िएगा। What are the practical difficulties in employing ideal teachers and how can they be overcome? Discuss with reference to Russell's unpopular essays. Russell's view on teaching and education have been of immense use down the year. Elaborate with special reference to his unpopular essays. What safeguard does Russell suggest against a teacher's becoming a tool in the hands of government, and how far are they adequate? What function does Russell recommend for the teacher? Do you find it viable in our society? क्या function वो recommend करता teachers को? Russell's view on teaching and education have been of immense use down the year. Elaborate what are practical differences or difficulties in employing ideal teacher. क्या practical difficulties आती हैं अगर एक ideal teacher को employ किया जाए, and how can they be overcome, और वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? Discuss with reference to unpopular essay. किस तरीके से ऐसे teachers कामयाब हो सकते हैं, आपको unpopular essays के उससे हिसाब से इसको discuss करना। The function of a teacher is one of the most important and thought-provoking essays of Russell, which compels the reader to think over the real function of a teacher and to ponder that, am I well-taught person? The teaching profession has almost completely changed nowadays than the old ones. Though the teaching profession has an honorable tradition from prehistoric time to today's world, yet it is quite different in nature and methodology now. In other days, the function of a teacher was to inculcate in his students the ideas he considered to be good and mature. But nowadays, teacher has become like a propagandist who teaches according to the wish of the employers. अब वो कहता है कि शुरू से ही वो रीडर को क्या कंपेल करता है कि वो रियल फंक्शन ऑफ टीचर के बारे में सोचे, और वो ये सोचे दैट एम आई वेल टॉट पर्सन, क्या मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ, क्या मुझे सही तौर पे पढ़ाया गया है। द टीचिंग प्रोफेशन जो है वो कम्प्लीटली अब जो है पुराने जमाने के दौर के जो टीचर्स हैं और आज के दौर के जो टीचर्स हैं उनमें बहुत फर्क है। और वो क्या, वो क्यों कहता है, वो कहता है जो एक ऑनरेबल ट्रेडिशन है फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम टू टूडेज वर्ल्ड,
फिर भी अब जो है इसकी नेचर और इसकी मेथडोलॉजी बहुत हद तक चेंज हो चुकी है। अब क्या है, टीचर्स जो है वो जस्ट एक प्रोपेगेंडिस्ट हैं, जिन जो कि टीच करते हैं अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर्स, मालिक के हिसाब से, यानी कि जो उनको एम्प्लॉय करते हैं उनके हिसाब से टीचर्स टीच करते हैं। टीचर्स जो है वो मोरालिटी या वो जो उनका फंक्शन होना चाहिए उस हिसाब से वो टीच नहीं करते। हिज ओनली फंक्शन इज टू प्रीच द टीचिंग विच आर इन फेवर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड स्टेट। सिर्फ वो वाली टीचिंग्स प्रीच करते हैं जो कि ब्यूरोक्रेट्स और स्टेट्स के हक में बेहतर होती हैं या उनके हक में जो है वो हेल्पफुल होती हैं, सिर्फ वो फंक्शंस पढ़ाए जाते हैं। बट स्टेट कंट्रोल एजुकेशन कैन टर्न मैन इनटू अनथिंकिंग फैनेटिक्स और फॉर हिज ओन सर्वाइवल। ठीक है, ये जो स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन जो आज के दौर में हमें दी जा रही है, ठीक है, उसमें हम क्या है, वी टर्न दैट टर्न मैन इनटू अनथिंकिंग फैनेटिक्स। नाउ वी आर अनथिंकिंग फैनेटिक्स। ठीक है, हम एक, आप ऐसे समझ लें कि एक साए के पीछे या एक सराब के पीछे चल रहे हैं, और ये वो उस कंपटीशन के पीछे हमें भगाया जा रहा है जिसका कोई एंड नहीं है। वी आर अनथिंकिंग फैनेटिक्स। ठीक है, हम जो है वही, वो जो एक हमें एक लाइन बता दी गई है ना कि ये वाली लाइन चलना है, और हमें नहीं पता कि ये लाइन ठीक है या नहीं है, बट बिकॉज वी हैव द क्रेज ऑफ द डिग्री दैट्स वाई वी आर फॉलोइंग दैट लाइन। ठीक है, हम इल्म के लिए तो ये कर ही नहीं रहे। ये कहाँ से सारा, ये सारे जो कोर्सेज है ये कहाँ से आए हैं, ये CSS, NTS, ईच एंड एवरीथिंग, ये कहाँ से आए हैं? दैट इज बेसिकली द स्टेट डिफाइंड, जो स्टेट डिफाइन कर दिया। और अल्टीमेटली दीज आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो एक कॉम्पिटिशन का एक समंदर है ये, जिसका एंड कोई भी नहीं है, जो गहरा तो बहुत है लेकिन उसका एंड कोई नहीं है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वी आर अनथिंकिंग फैनेटिक्स। एंड फॉर हिज ओन सर्वाइवल टीचर मस्ट प्ले द पैट विच द स्टेट कट्स आउट फॉर हिम इन दिस टास्क। अकॉर्डिंग टू रसल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ टीचर इज टू इनकलकेट हिज पीपल्स बिलीव विच आर वाइज एंड सेंसिबल इन हिज मेच्योर ओपिनियन। और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन एक टीचर का क्या होता है कि वो अपने पीपल के बिलीव, अपने जो उसके शागिर्द हैं उनका जो ईमान है, उनका जो गुमान है, उसको इनकलकेट करें। ठीक है, विच आर वाइज एंड सेंसिबल, जो कि वाइज और सेंसिबल होते हैं। मैं आपको क्या कहती हूँ, अभी हमेशा रसल की, आप एसेस की बात करें ना, हमेशा वो गुमान की बात करेगा, बिलीव्स की बात करेगा, फेथ की बात करेगा। बेटा जिंदगी हमेशा ईमान, गुमान और फेथ के ऊपर ही गुजरती है। आपका जिस तरह का ईमान है ना, आपकी जिंदगी उतनी स्ट्रांग होगी। आपका ईमान जितना कमजोर है आपकी जिंदगी उतनी कमजोर होगी। आपकी लाइफ, आपका अप्स एंड डाउन, ईच एंड एवरी, उसको परखने का, आप देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे सर मुझे कहा करते थे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बूढ़े हो के भी उनके अंदर बुजुर्गी नहीं आती, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि उनकी उम्रें नहीं होती लेकिन वो मेच्योर होते हैं, उनके अंदर बुजुर्गी आ जाती है। तो बुजुर्गी कभी भी एज से नहीं आती, बुजुर्गी शऊर से आती है। बुजुर्गी आपके ईमान, आपके गुमान, आपकी सोच के मस्बत होने से, उसके मेच्योर होने से आती है, ऐसे नहीं आती। और जो इंसान इस तरह से गुजरता है तो उनकी लाइफ, उनका बोलने का अंदाज, उनकी ईच एंड एवरीथिंग, वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड होती है। मुझे मेरी एक सीनियर ने एक दफा बात की, उन्होंने कहा देखें हर जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो जहां से गुजरती है वहां पे असरात छोड़ती है। कहती एक जो सलीकामंद औरत है वो जहां से गुजरेगी ना, अगर तो वो सलीकामंद है तो वो इर्द गिर्द से सफाई करते करते गुजरेगी, लाइक ये चीज उधर रखी, वो चीज इधर रखी, इस तरह इस तरह इस तरह। इसी तरह एक जो खूबसूरत पर्सनैलिटी होती है ना, वो जहां से गुजरती है ना, वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के दिलों को खूबसूरत बनाती चली जाती है। इस तरह से, इसी तरह जो बुरी पर्सनैलिटीज होती है वो नॉट ओनली खुद बहुत ज्यादा, जिसे कहना चाहिए, इरिटेटेड पर्सनैलिटी होती है, बल्कि अगर कोई उन ऐसे लोगों से बात भी करता है ना, वो खुद भी इरिटेट हो जाता है। घरों में लड़ाइयां बेसिकली इसी वजह से होती है। और मैं एक और चीज आपको बता दूं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आई होप कि मुझसे बहुत अच्छे टीचर्स आप सब बने। तो जब भी टीचर बने ये चीजें याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे को सिलेबस नहीं पढ़ाना, उसको मोरालिटी सिखानी है, उसको वॉइस और किस तरीके से ये फेथ और बिलीव्स उसके उसको इनकलकेट करना है, दैट इज योर ड्यूटी।
दैट इज अ टीचर्स ड्यूटी, ठीक है, ये उस्ताद ही होते हैं जो कौमों की जो सोच होती है उसको बदल के रख देते हैं, ठीक है। अल्लामा इकबाल को क्यों कहते हैं हम डॉक्टर अल्लामा इकबाल, एक तो वैसे ही PhD थे, जर्मन्स ने उनको सर का खिताब दे दिया, इतने बड़े लिखे इंसान थे, लेकिन एक सोच तब्दील करना, एक सोच को एक पॉइंट पे लेके आना, कन्वर्ज कर देना, दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ, दैट इज ड्यूटी, नॉट ओनली ड्यूटी, इसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स। टीचर्स और पेरेंट्स जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं तो एक हेल्दी एनवायरमेंट क्रिएट होता है, एक हेल्दी सोसाइटी क्रिएट होती है। तो यहाँ पे वो उसी मेच्योर ओपिनियन और उसी पीपल्स बिलीफ की बात करता है, इन एंटीक्विटी एज वेल एज ड्यूरिंग द रेनेसां टीचर हैज कंपैरेटिवली ग्रेटर फ्रीडम। अब जो रेनेसां टीचर है, रेनेसां क्या है, किसी एज को कहेंगे हम, लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर पावर एंड लस्ट फॉर अथॉरिटी, ठीक है, ये सारी चीजें, लस्ट फॉर डिस्कवरी, साइंटिफिक डिस्कवरीज, ये सारी चीजें जो है, रीबर्थ ऑफ नॉलेज, दैट इज नॉन एज रेनेसां। अब ये जो नए दौर के जो रेनेसां टीचर्स हैं, ये क्या है, ये कम्प्लीटली had comparatively greater freedom, but in modern times this freedom and self-determination exist only at a handful of great historic universities. अच्छा, रेनेसां के बाद आज के जो हम दौर की बात करते हैं, that is modern, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये जो modern times जो है, ये freedom और ये self-determination exist करती है only at a handful of great historic universities, सिर्फ जो great historic universities हैं उनके handful, यानी कि हम किसका सिलेबस जो है वो पढ़ना पसंद करेंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ऐसे ही है, बच्चे को किताब कौन सी पढ़ानी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रीडर्स होनी चाहिए, ऐसा है। तो हम क्या है, हम जस्ट वो जो कुछ चंद एक दुनिया की जो फेमस यूनिवर्सिटीज हैं उन्हीं का सिलेबस, उसी को पूरी दुनिया में बेचा जाता है, उसी की डिफरेंट ट्रांसलेशन होती हैं। अगर हम ग्रामर भी यूज करेंगे ना तो हम कहेंगे अच्छा जी वो जो है ना कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए, हम डिक्शनरी भी यूज करेंगे तो वो वहीं की होनी चाहिए। तो द थिंग इज दैट कि कुछ हिस्टोरिक यूनिवर्सिटीज हैं जिनके हैंड आउट्स जो हैं वो हम यूज कर रहे होते हैं। द टीचर ऑफ टुडे इज नॉट एक्सपेक्टेड टू टीच व्हाट ही बिलीव्स टू बी राइट। आज टीचर से ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की जाती कि जी आप वो पढ़ाएं जो कि वो समझती है कि वो राइट है, या एक उस्ताद समझता है कि ये राइट थिंग है और उसको वो पढ़ाना चाहिए, बट ओनली व्हाट हिज एम्प्लॉयर्स डिसाइड दैट ही शुड टीच। एक आपको सिलेबस दे दिया जाता है और आपने वही पढ़ाना होता है, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। दिस एटीट्यूड कैन नेवर प्रोड्यूस गुड थिंकर्स ऑफ अ नेशन। ये एटीट्यूड गुड थिंकर्स नहीं पैदा कर सकता एक नेशन के अंदर, एज वेल एज ऑफ वर्ल्ड। अ टीचर शुड रिमेन अलूफ फ्रॉम द स्ट्राइफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एक टीचर्स को इन पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्राइफ से, कंफ्लिक्ट से बहुत दूर होना चाहिए। ही शुड बी न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल इन हिज टीचिंग। और उसको अपने टीचिंग्स में न्यूट्रल और इम्पार्शियल होना चाहिए। रसल थिंक्स दैट द टीचर्स रियल फंक्शन लाइज इन लेटिंग द चाइल्ड डेवलप हिज इनबॉर्न फैकल्टीज एंड एनकरेजिंग द काइंडली इम्पल्सेस दैट आर लेटेंट इन हिम अदरवाइज डिवोटिंग ऑफ नेचुरल इम्पल्सेस। एक मिनट, अच्छा, फिर वो कहता है कि एक टीचर को जो है ना इन पार्टी से अलूफ होना चाहिए, और वो ये कहता है कि टीचर्स रियल फंक्शन वो किसमें, लेटिंग द चाइल्ड डेवलप हिज इनबॉर्न फैकल्टीज, उसकी जो इनबॉर्न फैकल्टीज है ना उसको डेवलप करना होता है, एंड एनकरेजिंग द काइंडली इम्पल्सिस, और उसके जो इम्पल्सिस होते हैं, लाइक मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, ठीक है, वो एक चीज लिखता है, मुझे अंदाजा हो जाता है कि यहां से ये बंदा, इसके अंदर ये चीज कम है लेकिन इसके अंदर ये चीज इनबॉर्न है, ठीक है, वहीं से वो स्टूडेंट पकड़ा जाता है कि यहाँ से ये चीज इसकी इनबॉर्न चली आ रही है, इस तरह की ये वोकैबुलरी यूज करती है, इसको यहाँ से उठाना है और इसको वहां पे पहुंचाना है। ये टीचर की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे की, अपने स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझते हुए उसको एक पॉइंट से उठाए, और वो उसकी अपनी इनबॉर्न कैपेसिटी होती है, उसकी अपनी इनबॉर्न इनकैपेबिलिटी होती है, और वहीं से मुझे अंदाजा हो जाता है अच्छा अगर इसके सरकमस्टांसेस इस तरह के हैं तो ये यहाँ से यूं निकल सकती है।
दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम स्टूडेंट की साइकी के हिसाब से देखिए एक नई चीज मैं आपके अंदर क्रिएट कर दूं, दैट इज आप हो सकता है कि आपका वो इंटरेस्ट ही ना हो, लेकिन एक चीज है आपके अंदर इनबॉर्न है, वहीं से आप स्टूडेंट को पकड़ लें कि ये चीज इसके अंदर इनबॉर्न है और ये यहाँ से यहाँ पहुंच सकती है. तो बजाय उसके अंदर न्यू चीजें क्रिएट करने के, आप उसकी अपनी क्रिएटिविटी पकड़ लें और उसको जो है आगे की तरफ प्रमोट कर दें. तो वो क्या कहते हैं, ऑफ नेचर कैन ब्रीड क्रूअल सेल्फिश अर्जेस इन द चाइल्ड एंड मेक हिम ग्रो इनटू अ क्रिमिनल और द एंटी सोशल क्रिएचर. अब वो कहते हैं उसकी जो चाइल्ड डेवलप हिज इनबॉर्न फैकल्टीज एनकरेजिंग द काइंडली इम्पल्सिस, मतलब उसकी इनबॉर्न फैकल्टीज और एनकरेजिंग वो उसकी काइंडली इम्पल्सिस को उसकी काइंडली इम्पल्सिस को आप उसकी इसको ऐसे समझ लें कि उसकी जो इम्पल्सिस दैट आर लेटेंट हिम अदरवाइज डिवोटिंग ऑफ नेचुरल इम्पल्सिस कैन ब्रीड क्रूअल एंड सेल्फिश अर्जेस इन द चाइल्ड. अगर आप उसकी इनबोर्ड फैकल्टीज और उसकी ये ऐसी चीजें नहीं एनकरेज करेंगे ना जो उसकी नेचुरल इम्पल्सिस हैं और वही उसकी काइंडली इम्पल्सिस की तरफ उसको लीड करेंगी, तो फाइनली क्या होगा, वो वही स्टूडेंट या वही जो सोसाइटी का एक पार्ट है वो नेगेटिव साइड पे चला जाएगा और वो उसी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा डैमेज भी हो सकता है, वो उसी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा, एक बहुत बड़ा डेंजर भी साबित हो जाता है. तो वो कहता है कि यहाँ पे कि एक टीचर का फंक्शन है, लाइक मेरे पास एक दफा एक स्टूडेंट आई एंड शी हैज अ वेरी गुड स्किल्स ऑफ बेकिंग. ठीक है, जरूरी नहीं होता आपने बहुत अच्छा टीचर ही बनना है. आज उसकी जो है एक ऑनलाइन वो बेकिंग करती है, ठीक है, और उसके हाथ में इतनी सफाई है कि मैंने उसको कहा कि बेटा जो इस वक्त आप यू कैन, मतलब मैंने उसको मना नहीं किया है आप एमए इंग्लिश लिटरेचर नहीं करो, लेकिन मैंने उसकी एक स्किल पकड़ ली कि इसके अंदर ये बेकिंग की स्किल बहुत ज्यादा है. मैंने उसको उधर ही लगा दिया, मैंने कहा गो फॉर इट. आज उसकी इतनी बड़ी बेकिंग का पेज है फेसबुक के ऊपर और शी इज वो उसकी केक्स इतने ज्यादा सेल हो जाते हैं डेली बेसिस पे, शी इज लिविंग इन लाहौर, कि उसको मजीद आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. वो उसके अंदर इतनी होश थी कि मतलब वो एक उसके अंदर एक स्किल थी, मैंने उसको कहा गो फॉर इट. इसी तरह लास्ट ईयर की बात है, मेरे पास एक स्टूडेंट आई, शी हैज वन बेबी एंड वो बहुत छोटा बच्चा था एंड व्हेन आई हैव टॉक टू हर एंड मतलब काफी सारी मेरी उससे बात हुई, मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने उनसे पूछा कि आपकी अपनी स्किल्स क्या है, ठीक है, टेल मी. उसने मुझे एक दफा ना अपने हाथ के क्रोशिए की एक अपने बच्ची का उसने बनाया था कुछ, और वो उसने मुझे पिक्चर सेंड की कि मैम ये मैंने बनाया. मैंने कहा ओके फाइन. मैंने कहा व्हाई डोंट यू क्रिएट अ पेज एंड सेल इट. बस उसने वो चीज मुझे उसने उसी वक्त वो इतनी खुश हुई कि अच्छा इस तरह भी हो सकता. मैंने कहा जी गो फॉर इट. एक आपके हाथ में अल्लाह ताला ने एक इनबॉर्न सलाहियत दी और इतने वो नीट थे ऐसे लगता था जैसे किसी मशीन से बने हुए. तो क्या हुआ कि जस्ट आपने इस तरह के स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रमोट करना पड़ता, उसका पहला ही टेंडर जो मिला ना, जब मैंने उसको प्रमोट किया डिफरेंट जगह पे फेसबुक ग्रुप्स में एंड दिस एंड दैट, उसको जो पहला टेंडर मिला दैट वॉज 30,000. ठीक है, 30,000 का पहला टेंडर मिला एंड शी वॉज सो हैप्पी, शी वॉज सो हैप्पी. तो ये टीचर का काम होता है, जरूरी नहीं है मैं आपको ये बता दूं कि आज आज वो एमए इंग्लिश लिटरेचर नहीं कर रही, बट शी इज मतलब एक प्रोफेशनिस्ट है वो. ठीक है, उसकी बीए की एजुकेशन है, लेकिन इस वक्त वो इतना अर्न कर रही है एंड शी इज सो हैप्पी कि वो उसका अपना शौक भी था, उसकी अपनी स्किल थी, उसकी अपनी इनबॉर्न सलाहियत थी एंड शी इज डूइंग दिस. जरूरी तो नहीं है मैं उसको एक ट्रेंड के पीछे भगा दूं जो कि जिसकी तरफ उसका दिमाग ही नहीं. ठीक है, तो ये एक उस्ताद का रोल होता है, आपने खुद जज करना होता है ये मेरा स्टूडेंट है ये आगे चल सकता है नहीं चल सकता. मतलब जरूरी तो नहीं है कि मैं अपनी जेब में पैसे भरूं और मैं एक स्टूडेंट को ये, मैंने उनको कभी ये भी नहीं बताया कि आप नहीं कर सकते, ऑल द मुझे अंदाजा हो गया था, लेकिन मैंने उनसे उनकी स्किल्स पूछी. जो स्टूडेंट्स नहीं एमए इंग्लिश के लिए मुझे कैपेबल लगते, मैं उनसे उनकी स्किल्स पूछती हूँ कि आपकी स्किल्स क्या है, घर में क्या क्या करते हो, वहां से फिर मैं उसको गाइड करती हूँ कि गो फॉर इट. और अल्टीमेटली वो दोनों आज एमए इंग्लिश लिटरेचर तो नहीं करी, लेकिन बोथ आर रनिंग द पेजेस एंड दे आर सो सक्सेसफुल इन देयर इनबॉर्न स्किल्स. तो बेटा दीज आर द स्किल. और मैंने एक चीज देखी है, आज तो ये डिग्री का एक स्कोप हो गया, पढ़ा लिखा इंसान मार खा सकता है, हुनरमंद इंसान मार नहीं खाता.
हुनर सीखें, हुनर आना चाहिए, कोई भी हुनर हो, चाहे आपको स्टिचिंग आती है, चाहे आपको कुछ भी आता है, हुनर हाथ में होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इस वक्त आपको तो राइडर्स मिल जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, बड़ा अब तो बहुत स्कोप हो गया ऑनलाइन, आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो यही बात कह रहा है कि बजाय इसके अगर मैं उस उनको यहाँ पे ना लगाती ना, या तो वो अपने आप को तबाह कर लेते, या वो अपने इर्द गिर्द अपनी फैमिली को, या फिर मतलब मतलब मुझे यही शक था लिटरली कि दे विल गो टुवर्ड सम नेगेटिव सम, मतलब मुझे वाकई लगता था कि दे वुड बी द डेंजर इन सोसाइटी अगर मैंने इनको मसरूफ ना किया। तो दैट इज द आवर पार्ट, हम कहते हैं ना हर फर्द है मतलब के मुकद्दर का सितारा। ठीक है, आज हम बहुत बड़ी एक कोई वो नहीं बना सकते, बहुत बड़ा कोई इदारा नहीं बना सकते, लेकिन हम अपने ऑन पे कुछ ना कुछ, अपने बिहाफ पे कुछ ना कुछ तो लोगों के लिए करें। जिस बंदे, जिस इंसान के साथ मैं इंटरलिंक हूँ, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या ये सिर्फ हुकूमत का ही काम है कि वो किसी अनएम्प्लॉयर को एम्प्लॉय कर दे? ठीक है, तो दीज आर द थिंग कि एक टीचर का ये फंक्शन है कि वो अपने स्टूडेंट के अंदर इन बॉर्न कैपेसिटीज देखते हुए उसको सजेस्ट करे कि यू शुड डू दिस। आज भी मेरे पास जब स्टूडेंट आते हैं ना, वो मुझे यही कहते हैं कि मैम मतलब आप इतना सिंसियरली बंदे को मशवरा दे देती हैं, अदरवाइज अगर उनसे फी भी लेनी होती तो मैं पूरा साल उनसे कमा सकती थी। बट द थिंग इज दैट कि मैं फिर अपने नफ्स को जवाब नहीं दे सकती थी कि एक इंसान के अंदर वो कैपेसिटी नहीं थी, वो कैपेबिलिटी नहीं थी, मैंने उसको किसी और क्रिएटिविटी में भी नहीं लगाया, हालांकि मुझे पता था इसके अंदर ये क्रिएटिविटी है। तो दिस इज द थिंग कि एक इंसान की को राइट डायरेक्शन में लगाने के लिए जो मुझे दिल का सुकून मिलता है, उसका नेमल बदल बेटा कोई नहीं। और दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बींग अ टीचर। अगर मेरे पास कोई एक इंसान आता है और वो मुझे उस्ताद समझता है, जाहिर बात है आपको कोई उस्ताद समझ रहा है वो आपकी बात भी सुनेगा। ठीक है, अगर आपको कोई ऑन कर रहा है तो आप ना अगले बंदे का मान ना तोड़े, कभी ना तोड़े। बींग अ टीचर नेवर एवर डू दिस। आपके पास एक इंसान आ गया, देखिए अल्लाह ने आपको कुछ दिया है तो कोई आपसे सवाल करता है ना। अगर मैं एक टीचर हूँ तो मुझसे स्टूडेंट बार बार सवाल करता है। ठीक है, तो कभी भी किसी का मान ना तोड़े। तो मुझे बड़ा डर लगता है कि मेरे स्टूडेंट का मान ना टूट जाए। तो ये चीजें, बीइंग अ टीचर, आज आप मेरे स्टूडेंट है, कल आप भी कभी टीचर ही होंगे, हो सकता है आप अपने बच्चों के टीचर बन जाए। सो एक इंसान कहीं ना कहीं या तो स्टूडेंट होता है लाइफ के अंदर, या वो उस्ताद होता है, टीचर होता है। तो इन दोनों दोनों जो है ना स्टेटस, इन दोनों को बेटा संभाल के रखिएगा। बीइंग अ स्टूडेंट, कभी अपने उस्ताद को जो है मायूस मत कीजिएगा। और बीइंग अ टीचर, जब आप बड़े ओहदे पे होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज, बहुत ज्यादा टेम्परामेंट की जरूरत होती है, और ये आपको करना ही है क्योंकि आप, आपका फर्ज है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये है बेटा इसके अंदर, ये सारी चीजें, इन दो लाइन्स का ये मतलब था। मॉडर्न साइकोलॉजी ऑल्सो अफर्म्स एंड एग्रीज टू दिस पॉइंट ऑफ रसल। रसल स्ट्रेसेस दैट टीचर्स शुड एक्ट और गार्डियंस और सिविलाइजेशन। टीचर्स को कैसे एक्ट करना चाहिए? वो गार्डियंस ऑफ सिविलाइजेशन के तहत उनको एक्ट करना चाहिए। दे शुड स्प्रेड एंड प्रमोट द कल्चर ऑफ अ मैन ऑफ अ माइंड। और उनको स्प्रेड और प्रमोट करना चाहिए कल्चर ऑफ अ माइंड, एक जहन के कल्चर को। आपको अंदाजा हो जाता है अगर आप एक अच्छे उस्ताद हैं, आपको पता चल जाता है आपके दिमाग, आपके इस वक्त स्टूडेंट के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। ठीक है, अंदाजा हो जाता है, इवन आपके टेस्ट से मुझे अंदाजा हो जाता है इस वक्त स्टूडेंट की स्टेट ऑफ माइंड क्या है। तो द थिंग इज दैट के समझें इस चीज को कि कल्चर ऑफ माइंड क्या है, और उस हिसाब से स्टूडेंट को डेविएट करना होता है। A true teacher must rise above material consideration and must be the real safeguard against the possibility that our civilization may vanish slowly. एक true teacher जो है उसको इस material consideration से ऊपर रह के सोचना चाहिए, और क्या करना चाहिए उसको, must be real safeguard होना चाहिए against the possibility, इस possibility and that our civilization may vanish slowly. कि हमारी ये जो सिविलाइजेशन है, अगर हम टीचर्स अपना रोल नहीं प्ले करेंगे और हम अपनी मटेरियल कॉन्सिडरेशंस को हमेशा ऊपर रखेंगे तो ये सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। द टीचर मस्ट राइज अबव द टेम्पटेशन ऑफ फ्लैटरिंग द प्रेजुडाइसेस ऑफ दोज इन अथॉरिटी। उनको जो है ये टेम्पटेशन ऑफ फ्लैटरिंग द प्रेजुडाइसेस ऑफ दोज इन अथॉरिटी,
बाज़ औक़ात जो हमारी अथॉरिटी में होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं, हम फ्लैटर कर रहे होते हैं उनको, लाइक उनकी बहुत ज्यादा तारीफें करना फजूल में. और ये नॉर्मली देखा गया है, गिफ्ट्स भी सिर्फ उनको दिए जाते हैं जो आपके काम आ सकते हैं, बाकियों को हम गिफ्ट्स नहीं देते. इवन इफ ही कैन इम्प्रूव हिज प्रोफेशनल प्रोस्पेक्ट बाय डूइंग सो, इससे बेहतर है कि वो अपने प्रोफेशनल प्रोस्पेक्ट जो है उसको इम्प्रूव करे, रादर देन कि हम बटरिंग ही करते रह जाए अपने एम्प्लॉयर्स की. A teacher can be great only if he is fired by the passion to become, to perform positive tasks. Ek teacher acha ban sakta hai agar wo he is fired by the passion to perform positive tasks. Agar uske andar ek passion hai ki wo ek positive task jo hai uske andar ye feelings hain, uske andar ye emotions hain. He must have feelings of warm affection towards his people and a genuine desire to impart to them what he himself believes to be of value. और उसको उसको ये भी फीलिंग्स होनी चाहिए टू वार्म अफेक्शन टुवर्ड, उसकी फीलिंग्स कैसी होनी चाहिए, उसकी एक अफेक्शन होनी चाहिए टुवर्ड्स हिज पीपल, उसके शागिर्दों की तरफ, और एक जेन्युइन डिजायर होनी चाहिए उसके अंदर इम्पार्ट टू देम व्हेन ही हिमसेल्फ बिलीव टू बी वैल्यू, कि उसको एक उनके उसके अंदर ये भी वैल्यू होनी चाहिए कि उसको उनसे इम्पार्ट होना है, दूर होना है व्हाट ही हिमसेल्फ बिलीव्स टू बी ऑफ वैल्यू, कि वो शायद उस चीज से उसको दूर भी करना है जो कि उसके लिए वैल्यू रखती है, यानी कि उस लेवल पे आके उससे थोड़ा सा दूर होना है. जब एक एक बच्चा होता है ना, जब माँ नया नया चलना शुरू होता है तो माँ क्या करती है, जब वो थोड़ा सा चलता पकड़ लेती है, लेकिन जब माँ चाह रही होती है बच्चा थोड़ा ज्यादा चले तो वो थोड़ा सा दूर जाके खड़ी हो जाती है कि बच्चा चल के खुद आएगा. ये वही चीज बताई जा रही है कि आपको अपने आप को इम्पार्ट करना है अगर आप उसको कुछ बिलीव्स टू बी ऑफ वैल्यू, अगर आप चाहते हैं कि ही बिलीव्स टू बी ऑफ मतलब ही हिमसेल्फ बिलीव्स टू बी वैल्यू, कि उसको अपने पैरों पे खुद भी खड़ा होना है एज अ मैटर्स. ठीक है, अगर मैं हर वक्त ही आपको नोट्स बना बना के देती रहूंगी और असाइनमेंट्स नहीं दूंगी तो फिर फाइनली क्या होगा, आप अपने पैरों पर कभी भी नहीं खड़े हो सके, आप सेल्फ राइटिंग कभी भी नहीं कर सकेंगे. अगर मैं आपको टेस्ट नहीं दूंगी या आपको नहीं खींचा जाएगा तो जाहिर ही बात है फिर क्या होगा, आप सारे लीनियंट हो जाएंगे. तो दैट इज द थिंग कि आपको थोड़ा सा अपने आप को इम्पार्ट करना पड़ता है, अपने इवन एज अ पेरेंट भी आपको अपने बच्चे से थोड़ा सा इम्पार्ट होना पड़ता है ताकि वो अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सके. As matters stand today, teachers are unable to do their best for the variety of reasons. अब वो variety of reasons हम देखते हैं कि teachers क्यों जो है fully अपने जो है क्यों अपना role नहीं play कर पा रहे. One is that they have to overwork. एक बात तो ये उन बेचारों को इतना ज्यादा overload कर दिया जाता है which creates tired and monotonous feelings in them, जिसकी वजह से वो tired और monotonous एक ही काम करते रहेंगे, एक ही किताब पढ़ा पढ़ा के इंसान फिर बोर होना शुरू हो जाता है. फिर क्या होता है, teachers should not overwork themselves as well as to compel the students to do so. और student को teacher को इतना ज्यादा overwork नहीं करना चाहिए बल्कि अपने students को compel करना चाहिए कि वो task करें. Student should not be prepared only for the examination. उनको सिर्फ examination के लिए prepare नहीं करना चाहिए but they must have the thirst and hunger for the real knowledge. Unke andar ek thirst and hunger honi chahiye real knowledge ki. According to Russell, teacher must above all inculcate a spirit of tolerance in his pupils which would enable them to bear and understand manners as well as a strange people. Ignorant tolerance is the very reverse of a civilization. Theek hai, ignorant tolerance jo hai wo jo hai yani ki ignorant tolerance जो है वो क्या होती है, रिवर्स ऑफ अ सिविलाइजेशन. अगर लाइक जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर मैं आप लोगों को नहीं तंबीह करूंगी, नहीं खबरदार करूंगी तो फाइनली आप सारे लीनियंट हो जाएंगे, सिविलाइजेशन से दूर हो जाएंगे. तो दैट्स द वे कि आपको एक उस्ताद का रोल होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से लेके चलता है, क्योंकि गाड़ी बात आपने तो मुझे ही फॉलो करना है, आपकी मजबूरी है. तो फाइनली अब मैं ही आपको सही फॉलो नहीं करवा रही और मैं उस जगह पे, एक बच्चा झूठ बोलता है और माँ उसको मना नहीं करती तो व्हाट इज दिस, दिस इज द इग्नोरेंट टॉलरेंस. आप जानबूझ के आंखें बंद कर रहे हैं और आप अपने बच्चे के झूठ पे और गालियों पे भी हंस रहे हैं तो व्हाट इज दिस, दिस इज द इग्नोरेंट टॉलरेंस. और इसकी वजह से अनसिविलाइजेशन जो है वो स्प्रेड होती है, अनसिविलाइजेशन प्रमोट होती है, इस वजह से इसको ही उसने इग्नोरेंट टॉलरेंस कहा. To conclude, a teacher is the guardian of a nation. He should impart true knowledge to the student. He should teach objective realities
being impartial and neutral. He should not surrender before state or dictator. Rather, he should instill the teaching of freedom and tolerance to produce a healthy nation. Or usko kya karna chahiye? Teaching of freedom. Matlab, he should not surrender before state or dictator. उसको जो है स्टेट और डिक्टेटर के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको क्या करना चाहिए, उसको इंस्टिल करना चाहिए टीचिंग ऑफ फ्रीडम को एंड टॉलरेंस टू प्रोड्यूस अ हेल्दी नेशन. ठीक है, टीचिंग ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए, यहाँ पे टीचिंग ऑफ फ्रीडम लिखी हुई है या फ्रीडम ऑफ टीचिंग लिखें. ठीक है, दैट इज नॉट टीचिंग ऑफ फ्रीडम, दैट इज फ्रीडम ऑफ टीचिंग एंड टॉलरेंस. फ्रीडम ऑफ टीचिंग है ये. And tolerance to produce a healthy freedom of teacher and tolerance. Usko instill karna chahiye freedom of teaching ko aur tolerance ko to produce a healthy nation. Acha, aage beta ye sare points likhe hue hain. The role of teacher in antiquity and modern age. Emancipation of a teacher in prehistoric time. Modern teacher made a slave of government. Teacher should be guardian of civilization, impartial and neutral. Teacher को कैसा होना चाहिए? Impartial और neutral होना चाहिए. यहाँ पे आपका एक topic complete हो गया, एक topic और कर लेते हैं. हम ऐसे नहीं करते, हम ऐसा करते हैं कि हम जो है ना इस वक्त कर लेते हैं अपना